कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भारतातील सर्व शेतकरी बांधवांना, एफपीओचे पदाधिकारी आणि एफपीओचे सभासद असे शेतकरी मित्रांना कॉटन गुरुचा सादर नमन. आज आपल्या संगती जोडलेले आहे संत मुक्ताई विकास फार्मर प्रोड्युसर कंपनी मलकापूर, इथून आलेले त्यांचे डायरेक्टर बॉडी. तर मयूर भाऊ आपण आहात का? हॅलो मयूर भाऊ. यस सर. हा मयूर भाऊ. यस सर. हॅलो. नमस्कार मयूर भाऊ, हिंदी में बात करें मराठी में? सर दोनों भी चलेगा, आप जिसमें चाहे उसमें. हाँ, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मैं तो दोनों में हूँ. ठीक है सर. हाँ, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मैं तो दोनों में हूँ. हिंदी में करते थे. चलिए हिंदी में बात करते हैं. मयूर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉटन गुरु की वेबिनार मालिका नंबर 60, 60वें नंबर की मालिका. यही लॉकडाउन में हम कंटिन्यूअसली एक एक एफपीओ के साथ में वेबिनार करते आ रहे हैं. मयूर जी उनके गाँव में क्या हो रहा है, उनके एफपीओ में क्या हो रहा है, कहाँ वो रुक रहे हैं, और काफी एफपीओ ने इनसे सहायता लेकर नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं. तो आपको अभी कुछ आपके एफपीओ के बारे में हम जानना चाहेंगे. मयूर जी आपका एफपीओ का पूरा नाम, कितने मेंबर हैं, कितने गांव में आपके मेंबर हैं, और फिलहाल क्या एक्टिविटी चल रही है एफपीओ के अंदर? सर हमारा एफपीओ का नाम है संत मुक्ताई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी. हम लोग के पास में एक 15 किलोमीटर पे गांव है छोटा सा कुर्रा काकुड़ा नाम से. वहां की हम लोग 300 मेंबर्स है अभी, एक्टिव मेंबर्स. बहुत बढ़िया. मतलब इंक्रीज द नंबर्स ऑफ मेंबर्स, हम लोग 1000 मेंबर्स तक अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. प्रोजेक्ट किया है गट शेती में, ये डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था. उसमें हम लोग का सेटअप स्टार्ट किया है और इसका सेटअप है दाल मिल का. ओके, दाल मिल का, बढ़िया. हाँ, वेयर हाउसेस है सर. वेयर हाउसेस बिल्डअप किए हैं हम लोगों ने. इस अभी हम लोगों ने सोयाबीन का प्रोक्योरमेंट लिया था, पर वो जैसा एमएसपी सोयाबीन का एमएसपी से ज्यादा रेट होने की वजह से वो प्रोक्योरमेंट हम लोग नहीं कर पाए. राइट. हम लोग सर एज इंडिविजुअली मैं खुद जीनर हूँ एक. बहुत बढ़िया, अच्छा, बराबर है. तो हम लोग कॉटन काम करना चाहते हैं. ये बहुत अच्छी बात है, और एफपीओ में पहली बार ऐसा हुआ है किसान मित्रों के एक जिनर अब एफपीओ बनाकर अपनी सप्लाई चेन और डीप और सुदृढ़ बनाना चाहता है. तो मयूर जी अब दो तीन बातें आपने बताई. एक तो आपके 300 सभासद हैं और इसको आप 1000 करना चाहते हैं. ये तो आप उनसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके, उनसे जुड़ के, उनसे बिजनेस करके ही कर पाएंगे. सही सर. हम लोग अभी ना अभी हम लोग जैसे अभी तो आपका कॉटन प्रोक्योरमेंट सीसीआई कर रहा है, पर हम लोग अभी प्राइवेट में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खुद सबका परचेज करके कॉटन एक स्पेसिफिकली से फार्मर्स का एक लॉट बनाया हम लोगों ने अभी. अच्छा लॉट. बहुत बढ़िया. ओके. हम लोग वो उसको डिपॉजिट करना चाहते इधर आपके एमसीएक्स पे या सर बीएससी पे. ठीक है, तो लॉट तैयार है सर. वो मतलब बाय थर्सडे या फ्राइडे हम लोग का लॉट रेडी हो जाएगा. हम लोगों ने 900 कॉटन परचेज किया. अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं सर, पहले हमारा अकाउंट नहीं ओपन हुआ है. नहीं तो अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है हम आपके साथ में कल ही जुड़ के और वो बने उतना जल्दी कर देते हैं ताकि आपकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाए. दूसरा, आपका ये माल जैसे तैयार हो जाता है हम इसको इमिडिएटली टेस्ट कर लेते हैं ताकि जो दो ऑप्शन आपको हैं, एक है बीएससी में आप जहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, और एक है जो हमारे पास एक कॉरपोरेट बायर है जो हमसे जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट्स में और वो इस तरह एफपीओ के बनाए हुए लॉट्स हमारे थ्रू खरीद रहा है, तो हम उससे भी जुड़ सकते हैं. तो दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है. सर हम लोग को मेनली ये समझना था कि हम एफपीओ को हम लोग को बीएससी और एमसीएक्स क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं.
जी, तो आज आपने कुछ देखा उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था? हाँ सर, मतलब मैंने मोटा मोटी तो थोड़ा समझा है कि जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का शायद बेनिफिट्स वो दे रहे हैं, वेयर हाउस के जो चार्जेस है उसको वो रिबेट कर रहे हैं। राइट और और एसेइंग चार्जेस, जो टेस्टिंग चार्जेस है वो आपको नहीं लग रहे हैं, है ना? और मार्जिन मनी मार्जिन में जो ये एक एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा पेन हो सकता है कभी मार्केट का फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, तो वो एफपीओ के लिए नहीं है। ओके, तो कैसे, मतलब मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। हाँ तो वही बात है। अनिल जी आप हैं क्या लाइन पे? अनिल हाँ सर, मैं हूँ अभी यहाँ पे। जी ये देखिए, एक जिनर ने एफपीओ बनाया है और ये हमारे साथ अभी जुड़े हैं, और ये हमारे साथ अभी सीसीआई के प्रोक्योरमेंट में भी जुड़ रहे हैं। अब इनके पास कॉटन प्रोसेस के लिए गई है, कुछ दिनों में इनकी बेल बन जाएगी। अब ये बीएससी में रजिस्टर भी करना चाहते हैं, और बीएससी जो जो आपने जो एक स्लाइड बताई कि जो एफपीओ के लिए बेनिफिट है, वो जरा इनके लिए एक बार रिपीट कर दीजिए। ये मयूर जी चौधरी हैं, ये डायरेक्टर हैं संत मुक्ताई विकास एफपीओ के। नमस्कार नमस्कार मयूर जी, बहुत बहुत सर। आभार आपका ये प्लेटफॉर्म पे। और अभी कैसा है देखिए, बेनिफिट क्या है M2M का, एक बेनिफिट ये रहता है, बहुत बार मार्क टू मार्केट पे करना रहता है। देखिए उसका मैं सिंपल एक और सरल एग्जांपल दे दूंगा। 20,000 रुपया एक बेल का भाव चल रहा है, मान लीजिए अगर 20,000 से 1,000 रुपया नीचे गिर जा रहा है भाव, तो अगर आपने बेचा हुआ है माल तो वो 1,000 रुपया आपका बेनिफिट हो गया, वो M2M प्रॉफिट कहते हैं हम उसको। क्योंकि ओके आपने माल बेचा हुआ है, कोई चीज आपने बेचा है उसका भाव नीचे आ जाता है तो आप फायदे में रहते हैं। बट यही ओके बात अगर ऊपर हो जाए, अगर 21,000 हो जाए तो वो 1,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेल्स, मान लीजिए 100 बेल्स रहेंगे तो आपको 1,00,000 रुपए आपको एक्सचेंज को पे करना रहेगा, जो ठीक बहुत है। ही पेनफुल रहता है एक जिनर के लिए, एक पार्टिसिपेंट के लिए। हम लोगों ने एक्सचेंज पे एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे पार्टिसिपेंट के लिए M2M पे करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहीं पे एक्सचेंज आपके लिए ये बेनिफिट लेके आ रहा है, अगर आपने माल डिपॉजिट किया है एक्सचेंज में, ठीक है, वेयरहाउस में अगर आपने डिपॉजिट माल पड़ा है, तो आपको M2M देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो नुकसान 1,00,000 का हो, 2,00,000 का हो, 3,00,000 रुपए का हो। तो ये बेनिफिट हम लोग आपके लिए खास लेके आए हैं। प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत ही कम है, उसका हमने एक स्लाइड शेयर किया था। वेयरहाउसिंग फ्री है, आपको क्वालिटी चेकिंग का खर्चा कुछ नहीं है, अच्छा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही, खर्चा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा हम लोग नहीं दे रहे हैं, वेयरहाउस का खर्चा हमारे ऊपर है। वेयरहाउस का जो आपका खर्चा रहेगा, 1 महीना माल पड़ा रहे, 2 महीना माल पड़ा रहे, चाहे आपका 100 बेल हो, 200 बेल हो, 500 बेल पड़े हो, तो वो जितना बेल आप ज्यादा जैसे रहेगा वेयर उतना हाउस आपको का खर्चा चार्जेस पड़ेगा। कैसा है सर? वेयरहाउसिंग का 580 रहता है बेल के हिसाब से, ठीक है, मतलब सॉरी कुछ 3 रुपया रहता है पर बेल का, तो वो पर डे का रहता है। तो अगर अगर मैं मानूं उसको, अगर मैं 1 महीने के लिए रखना चाहूं और मेरे पास 100 बेल है, तो 300 रुपया एक दिन का और 1 महीने का 9,000 रुपया तक हो जाएगा, 9,000 रुपया खर्चा हमारे ऊपर। प्लस आपका माल चेकिंग कराने का ना, वो कुछ 800 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है, तो उसमें वो भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर जैसे मतलब अभी हम लोग अभी डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे आज M6 का रेट है 1970, करेक्ट। तो इसका एक्चुअल प्राइस कैसा मिलेगा हम लोग को अभी? एक्चुअल यही प्राइस है ना, जो प्राइस आपको अच्छा, स्क्रीन में दिख रहा है जो महीने का, तो वो महीने का भाव वो रहेगा। अभी हम लोग दिसंबर में हैं तो दिसंबर का भाव अलग रहता है, जनवरी का भाव अलग रहेगा, फरवरी का भाव अलग रहेगा। तो अगर मार्केट तेजी में रहेगा तो आने वाले महीने का भाव भी ना तेजी में रहेगा, ऊपर ही रहेगा। अभी अभी आपको ये 19,000 दिख रहा है, तो जनवरी का आप देखेंगे तो 20,500 दिखाएगा, 200 दिखाएगा, फरवरी का देखेंगे तो शायद 21,000 दिखाएगा, डिपेंडिंग कि लोगों का एंटिसिपेशन क्या है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उनका क्या ओपिनियन है, उसके बेसिस पे मार्केट का प्राइस डिसाइड होता है। अनिल सर हम लोग को एक बात नहीं समझ आपका में। मयूर जी एको आ रहा है आपका ये। जी हेलो हाँ अब ठीक है। हेलो ये सर बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। अनिल सर, मतलब मैं नहीं समझा ये बात आपकी। M2M वाली, मार्क टू मार्केट वाली। हाँ मतलब 1990, जैसे आज 1970 रेट है। हाँ हेलो, आपका फोन स्पीकर फोन पे है क्या मयूर जी? हेलो, एको आ रहा है तो शायद स्पीकर फोन पे है। अभी परफेक्ट हो गया, अभी परफेक्ट हो गया। अभी ठीक है सर?
थोड़ा सा इको हो रहा है, बट फिर भी आप बोलिए, ऐसी बात नहीं है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सवाल बोल दीजिए, मैं जवाब देते हैं हम यहाँ पे। आप जो भाव स्क्रीन पे देख रहे हैं 19,770, वो से दिसंबर मंथ का भाव है। तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, ठीक है, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जो मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करते हैं, तो अगर आपको माल ये मंथ में देने का है तो ये मंथ में काम करना रहेगा आपको। माल अगर जो आपका डिस्प्ले वाला भाव है वही भाव मिलेगा डिपॉजिट करने का, सिर्फ आपके वेयर हाउस तक जाके उसको डिपॉजिट करना होगा हमें, है ना? अभी जलगांव या फिर इनके लिए जालना, दो चॉइस है ना? हमारा दोनों जगह वेयर हाउस है जी, जालना में बहुत अच्छा डिपॉजिट आता है कंपेयर टू जलगांव। मयूर जी है यहाँ पर ऑनलाइन पे? मयूर जी है तो सही। हाँ लगता है नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है। ट्रैवल कर रहे हैं ना, गाड़ी में दिखता रहा है। माधुरी जी, रीका जी, आप लोग कहीं हैं क्या रेंज में? राजेंद्र, कोई कोमल गोयल जी और संध्या अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी सर। हाँ माधुरी जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी, वेलकम है आपका। मयूर जी की रेंज शायद थोड़ी आगे पीछे, वो ज्वाइन करेंगे। माधुरी जी, कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताइए, आपके एफपीओ में क्या हो रहा है अभी? हेलो, हाँ माधुरी जी, कुछ एफपीओ की एक्टिविटी के बारे में बताइए ना, आपके एफपीओ में अभी फिलहाल आप अभी सोयाबीन में किसी प्राइवेट को दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सो सोयाबीन नहीं, हम लोग जिनिंग का ही कर रहे हैं। जिनिंग ही कर रहे हैं ना, मेन फोकस उसमें ही है। यस यस यस, जिनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, कॉटन जिनिंग का स्टार्ट किया है अभी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी आपका कॉटन कलेक्शन हो गया है फार्मर से और प्रोसेस में है ना, आप उससे बेल बनाने के लिए आपने शुरुआत कर दी है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, हाँ हो गए कनेक्ट, आपका रेंज शायद आगे पीछे हुआ था। हेलो, यस सर, हाँ मयूर जी, हाँ सर, सुन पा रहे हैं? अब आ रहा है सर। हाँ बस आपकी रेंज शायद थोड़ी आगे पीछे हुई थी। हाँ सर जी, तो आप जानना चाहते थे कि जो प्राइस दिख रहा है वही प्राइस, पूरा प्राइस एफपीओ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना? राइट सर, राइट सर। हाँ तो अनिल जी, आप यही बता रहे थे कि ये डिपॉजिट करने का प्राइस है और डिपॉजिट करने के लिए यही पूरा प्राइस मिलेगा जो जो भी डिस्प्ले में आता है। अनिल जी रंगवानी, तो आपको तो जलगांव करी पड़ेगा या फिर जालना? सर हम लोग को जालना ज्यादा करी पड़ेगा। हाँ तो जालना में इनके ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है ये बता रहे हैं, वेयरहाउस भी बड़ा है कंपैरेटिवली, तो आप अगर जालना डिपॉजिट करते हैं तो ये जालना डिपॉजिट करने तक का भाव है। तो आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया तो फिर ये पूरा भाव ही आपको मिलेगा, ऐसा अनिल जी बोल रहे हैं। सर तो 19,970 जैसा रेट है सपोज आज, हाँ जैसे हम लोग 2.092 राइट, तो ये हो गया 41,777 राइट, राइट, तो ये डिपॉजिटेड, मतलब ये रेट है हमारा डिपॉजिट का, राइट राइट, अगर यही रेट है कल डिस्प्ले में यही रेट रहता है तो यही रेट, आज समझो आज का ये रेट है तो यही रेट है आपका डिपॉजिट। तो सर अगर आपको फाइनेंस लेना है वहां पे तो फिर उसमें कुछ रेट कटेगा हम लोग का? फाइनेंस लेना है तो आपका साइकिल के हिसाब से कटेगा ना, अभी समझो आज 8 तारीख है ना, आप 10 तारीख को डिपॉजिट करते हैं तो इनका सेटलमेंट तो लास्ट डे ऑफ द मंथ में होता है। अनिल जी है क्या लाइन पे? अनिल जी रंगवानी, क्या यही एक्सचेंज से बताएं वो बेटर है क्योंकि वो जुड़े हुए ही हैं साथ में। ठीक है सर, है ना, तो वो मंथ एंड पे आपको पेमेंट मिलेगा और उस मंथ एंड के पहले अगर आपको चाहिए
है ना, तो आपको फिर उसमें फाइनेंसर की सुविधा है, तो वो जैसे वेयरहाउस फाइनेंस होता है उस तरह आप फिर जितना दिन का आप अर्ली ले रहे हैं वो हिसाब से वेयरहाउस फाइनेंस आपका डिस्काउंट होकर मिलेगा। सर वो क्या कटेगा सर, मतलब आपसे समझना ये चाहते हैं हम लोग कि क्या हम लोग से वो क्या चार्जेस लेंगे? नॉर्मली तो महीने के 15% के हिसाब से काटते हैं ना, तो ये अगर आपका साइकिल समझो 20 दिन का है तो आपको 20 दिन का कटेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि आपका 10 तारीख के पहले तो डिपॉजिट नहीं है और 30 तारीख को अगर सेटलमेंट गिनते हैं 21 को सेटलमेंट गिनते हैं तो आपका 20 दिन का कटेगा। मनीष सर एक और बात पूछनी थी आपसे, जैसे हम लोग कल का रेट 20,000 है सपोज जी, हम लोग डिपॉजिट करते हैं, हम लोग सेल नहीं करते सिर्फ डिपॉजिट करते हैं, वो फ्लक्चुएशन जैसे हम लोग को हम चाहते हैं कि आगे जाकर रेट बढ़ेंगे उस चीज का, हाँ तो हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया राइट, तो उस फाइनेंस हम लोग ले सकते हैं विदाउट सेटलमेंट? डिपॉजिट करने के लिए वो एफपीओ के लिए वो बेनिफिट है कि नहीं ये मुझे पूछना पड़ेगा। उतना है कि डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो ये मार्जिन मनी और ये जो मार्क टू मार्केट आपको बोल रहे हैं ना वो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो डिपॉजिट करने वाले को ही मिलता है। एक बार मैं फिर भी अनिल जी को पूछ लेता हूँ, बिकॉज इट इज बेटर इट कम्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अनिल जी आप हैं क्या रेंज में? राजेंद्र अनिल जी हैं क्या? शायद वो दूसरा उनका फोन चल रहा है, अभी मैसेज आया, अभी 2 मिनट में ज्वाइन होंगे, तब तक हम लोग हाँ अनिल जी, अनिल जी कुछ क्वेश्चन थे मयूर जी के। हाँ मयूर जी पूछिए ना। अनिल जी मैं ये समझना चाहता था जो रेट डिस्प्ले हो रहे हैं जैसे 20,000 रुपीज, तो हम लोग को पूरा अमाउंट मिलता है या इसमें कुछ कट होता है? आपको पूरा ही अमाउंट मिलता है, कुछ ऐसे अगर जैसे मैंने प्रीमियम एंड डिस्काउंट का मैंने प्रेजेंटेशन दिया आपको स्लाइड में बताया कि माल में अगर आपका अच्छी क्वालिटी का माल रहता है तो उसमें प्रीमियम मिलता है, बट माल में ट्रैश ज्यादा है या मॉइस्चर ज्यादा है तो वो पैरामीटर्स आपको देखना रहेगा कि उसमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट एप्लीकेबल रहता है। ओके, और सर फाइनेंस हम लोग लेना है, हाँ सपोज हम लोग डिपॉजिट करते हैं, हाँ तो फाइनेंस का वो कैसे कटिंग होता है, मतलब कैसे हम लोग को उसका फंडिंग कैसा मिलता है, क्या कट के मिलता है, कैसा मिलता है? ये सिंपल सी बात है, आपका माल वेयरहाउस में पड़ा है right. और उसका रिसिप्ट आपके पास है right. तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहती है ना तो उनका के हर एक का अपना एक हेयर कट रहता है कि कोई कोई okay. बोलते हैं कि अगर माल 100 रुपए का है तो हम लोग 70 रुपए ही फाइनेंस करेंगे, कोई कोई okay. बोलते हैं हम 80 रुपए तक फाइनेंस करेंगे, जो कोई अगर ज्यादा फाइनेंस करता है तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो okay. गेम है हेयर कट और इंटरेस्ट रेट का, जितना हेयर कट कम उतना इंटरेस्ट कम, जितना हेयर कट ज्यादा उतना इंटरेस्ट ज्यादा। तो सर जैसे आपने बहुत सारे फाइनेंशियल जो बैंक्स दिखाया इंस्टीट्यूशन दिखाया आपने, हाँ. तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे कि ये सबसे बेस्ट है हम लोग के लिए एज ए फार्मर्स के लिए, एक ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इनसे हाँ. फाइनेंस लेना जो हम लोग ज्यादा हेयर कट बहुत अच्छे से हम लोग को मतलब अवेलेबल जो बैलेंस हो जाए दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, ज्यादा कटिंग भी ना हो और परसेंटेज भी ज्यादा हो। ये इन्फॉर्मेशन जो वेयरहाउस में आप माल डिपॉजिट करते हैं ना ज्यादा करके उनके जो सेल्स वाले बंदे रहते हैं उनके वेयरहाउस वालों के साथ उनका रिलेशनशिप रहता है। ओके okay. अभी कौन एग्रेसिव है, क्योंकि बहुत बार ऐसे रहता है कि किसी चीज इंटरेस्ट रेट कम रहता है पर वो सर्विस में फेल हो जाते हैं। ओके okay. ठीक है, तो सर्विस एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आज के डेट पे लोग नोटिस करते हैं, जैसे अगर आप HDFC बैंक देखेंगे उनके इंटरेस्ट रेट कभी कभी है ना डील्स अच्छी नहीं रहती है पर उनके साथ लोग साइन अप करते हैं क्योंकि सर्विस उनका अच्छा है। मैं यहाँ पे एक्चुअली HDFC का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट लाइक ऐसे कैसे रहता है दुनिया में अभी जो भी हम लोग टॉप की चीज देख रहे हैं तो उनका सर्विस पैरामीटर अभी आप देखिए तो ज्यादा करके जो माल जिधर डिपॉजिट कर रहे हैं ना तो वो वेयरहाउस वाले के आसपास में ही ना बहुत सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके पीछे ही घूमते रहते हैं कि सर किसी को फंडिंग का रिक्वायरमेंट है क्या। अब मेरे साथ ये जो वेयरहाउस वाले मुझे ही कॉल करके बोलते हैं कि सर कोई माल डिपॉजिट कर रहा है तो अगर उनको फंडिंग का रिक्वायरमेंट है तो हमें बता दीजिएगा कि अच्छा। कौन एग्रेसिव वो भी मैटर करता है। सर एक और बात थी, आपने जो मार्केट टू मार्केट बताया था, मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट मार्जिन मनी बताए, तो सर जैसे हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ ये तो हम लोग वो जब मार्क टू मार्केट में हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब सपोज आज 20,000 का रेट है
तो हम लोग कैसे डिपॉजिट करना, विदाउट मतलब कोई मतलब रेट सा कोई नहीं रहेगा उस टाइम पे, हम लोग डिपॉजिट कर दे और फिर बाद में हम लोग फ्लक्चुएशन करें? देखिए दो ऑप्शन है, पहला है कि आप सौदा मार लीजिए, आपको okay. आपको कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करने का, वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, आज जो भाव चल रहा है मान लीजिए 20,000 का भाव चल रहा है और फरवरी में आपको डर लग रहा है कि ये कोरोना का थोड़ा एपिसोड खत्म हो जाएगा तो शायद भाव गिर भी जाए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई इकोनॉमिक फैक्टर है कुछ, आपका कैलकुलेशन कह रहा है कि भाव गिर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आप कोशिश करते हो कि मुझे 20,000 तो मिलना ही चाहिए मेरे भाव का, तो सबसे पहले आप फरवरी का लॉट बेच दीजिए, शॉर्ट हो जाएगा, बेचा मतलब आपने प्राइस लॉक कर दिया, 20,000 तो अगर मान लीजिए फरवरी का प्राइस 20,000 चल रहा है, हालांकि ज्यादा ही चलता रहेगा, प्रीमियम पे चलता है, तो फरवरी का आपने प्राइस लॉक हो गया, उसके बाद आपका आता है डिपॉजिट का, डिलीवरी का, फिर डिलीवरी आप आज चाहना है आज चाहिए आज ही एक्सचेंज में डिपॉजिट कर दीजिए, एक महीने के बाद डिपॉजिट करना है, बट जब भी जो मंथ फरवरी का महीना है उससे पहले जो एक्सपायर हो रहा है उसके 5 दिन पहले ही माल आपको डिपॉजिट कर देना है, ओके ये फर्क है, तो उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया, तो मान लीजिए फरवरी में अगर प्राइस गिर गया, मान लीजिए फरवरी में 17,000 प्राइस हो गया, तो एक बेल पे आपका 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट एक्चुअली प्रॉफिट नहीं कहेंगे, एटलीस्ट आपने वो रिस्क मैनेज किया ना उसका आपको बेनिफिट मिल गया, मैं ऐसे बोलूंगा, अगर मान लीजिए आपने हेजिंग नहीं किया हो, इसको हेजिंग कहते हैं, अगर आपने हेजिंग नहीं किया हो तो फरवरी में आपको 17,000 के हिसाब से माल बेचना पड़ता तो, और आप बोलेंगे कि भाई मेरा 3,000 रुपए एक बेल पे नुकसान हो गया, 100 बेल का माल था 3,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, राइट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है एक्सचेंज पे, हेजिंग का, हेजिंग सबसे बड़ा एडवांटेज है। अनिल जी रिवर्स सिनेरियो में अभी वो अगर बेल डिपॉजिट करें और बेचना नहीं चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मार्केट बढ़ने वाला है, हाँ तो अभी इस कैसे कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी ये है, मनीष जी ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई है, उसकी मैं एक और अलग ब्यूटी बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट की, कि मान लीजिए आपने माल डिपॉजिट कर दिया पर आपने प्राइस लॉक नहीं किया, प्राइस लॉक मैकेनिज्म मतलब आपने बाय या सेल एक्सचेंज पे नहीं किया है, सिर्फ माल डिपॉजिट किया है, फिर उसमें आप एंटिसिपेशन कर सकते हैं, आपने माल डिपॉजिट कर दिया उसके बाद आपको ऐसे लग रहा है कि एक्सचेंज में माल प्राइस अच्छा मिल रहा है तो एक्सचेंज पे सौदा डाल दीजिए, एक महीने के बाद डाल सकते हैं, 15-20 दिन के बाद डाल सकते हैं, वो भी अलाउड है, राइट ओके, उसका फाइनेंस ले सकते हैं क्या, सॉरी उसका फाइनेंस ले सकते हैं, उसका फाइनेंस भी ले सकते हैं, फंडिंग करवा सकते हैं, अच्छा डिपॉजिट किया तो भी ले सकते हैं, यस 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 यस, सेल नहीं किया तो भी, सेल नहीं किया तो भी फंडिंग ले सकते हैं, ओके ओके राइट, तो ये तो अच्छी बात हो गई ना मयूर जी, आपको लगता है कि भी अभी ये मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नरम है और आगे एक्सपोर्ट की इंक्वायरी आएगी या फॉरेन बढ़ेगा और मार्केट बढ़ने वाला है, या अभी कपास नीचे में मिल रहा है और आगे अचानक डबका आएगा अरेवल में और अगर मार्केट बढ़ने वाली है जनवरी में तो आप ये कॉल भी ले सकते हैं, राइट सर, तो सर उस टाइम पे अगर एक अपना सेंस है कि वो मार्केट बढ़ने वाला राइट, और अगर एक लग बाय चांस वो मार्केट कहीं कम हो जाए तो एफपीओ को कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ और हेल्प है उसमें? देखिए सबसे बड़ा जैसे मैंने आपको एडवांटेज बताया कि 20,000 से 17,000 अगर आ जाता है भाव या 18,000 आ जा सकते हैं, एटलीस्ट आपको 20,000 के हिसाब से तो माल बिक गया, बहुत बार आपका ऐसे भी हो सकता है मान लीजिए भाव 22,000 हो गया तो वो केस में आप बोलोगे कि ये तो मेरा नुकसान हो गया 2,000 का, बट कैसे होता है कि आप जो बिजनेस में हो ना, आप जिस बिजनेस में हो कॉटन के बिजनेस में हो, आप ट्रेडिंग के बिजनेस में नहीं हो, राइट सर, प्राइस लॉक करना एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, एटलीस्ट आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, बराबर, एटलीस्ट लॉस से बच सकते हैं, हाँ कि नीचे का जो लॉस है ना वो लॉस आपका नहीं होगा, वो गारंटी मिल गया आपको, एक किस्म का इंश्योरेंस है समझिए, ठीक है, अभी आप गाड़ी में घूम रहे, गाड़ी का कैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, उसका प्रीमियम बढ़ते हैं साल का 10,000-20,000, ठीक है, पर उसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी भर के देगी, पर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम गया, पर एटलीस्ट आपका लॉस तो कवर हो गया, अगर कुछ लॉस होगा तो कंपनी तो बढ़ के देगी, तो वही समझो लॉस यहाँ पे आपको भर के मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू अनिल जी, आपने क्या लाइव चालू ही मंच पे आपने निराकरण कर दिया, और ये लेना है एफपीओ को कि अगर मार्केट बढ़ने जैसा लग रहा है और लग रहा है कि फ्यूचर में ये प्राइसेस सडनली जंप करेंगे और हमें कपास आज मिल रहा है नीचे में मिल रहा है
तो आप कपास लेके बेल बनाइए, वैल्यू एडिशन कीजिए, वो बेल को पास कराइए, अप्रूव कराइए एक्सचेंज में और उसको डिपॉजिट कराइए, और ये डिपॉजिट करने के बाद आप अपने बार्गेन को होल्ड कर सकते हैं कि लेट द मार्केट राइज, जैसे मेरा एंटीसिपेशन है, तो वैसे आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, फाइनेंस आप उस पर फिर भी ले सकते हैं, अनिल जी ने बताया, तो उससे आप दूसरा लॉट भी बनाने की शुरुआत कर सकते हैं और दूसरे लॉट में वापस आप उल्टा हेज भी कर सकते हैं, उस लॉट को मार्केट प्राइस से आप सेल कर सकते हैं, ताकि आगे चल के मार्केट कम हो अगर, तो आप एटलीस्ट पहले लॉट में और जो लॉस करेंगे वो दूसरे लॉट में आप कॉम्पेंसेट कर चुके होंगे, तो एक ही फाइनेंस में आप दो लॉट बना के इस तरह रिवर्स मार्जिन में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस एक साइड का कॉल लेना, ये धीरे धीरे हेजिंग से लेकर स्पेकुलेशन की तरफ आपको शायद ले जा सकता है, लेकिन दोनों साइड को बैलेंस रखना और अपना एक डेफिनेट मार्जिन बुक कर लेना, तो आप उसी कैपिटल में आप हो सकता है कि 5 लॉट बना लो और 3 लॉट में आप प्रॉफिट करो, 2 लॉट में प्रॉफिट ना करो, तो भी आपका अल्टीमेट बैलेंस शीट तो पॉजिटिव रहता है। राइट सर, राइट। और मयूर जी ये बताइए, क्या आप जिनिंग भी करते हैं, आपके आसपास आपके किसान भी हैं, तो इस साल क्रॉप क्या लग रहा है आपको मलकापुर साइड? सर क्रॉप कहीं ना कहीं हम लोग के हिसाब से लास्ट ईयर से 10% का कहीं ना कहीं मतलब डाउनफॉल लग रहा है सर, 10% मिनिमम डाउन, मतलब हम लोग भी एक किसान है सर, हम लोग ने जैसे जो हम लोग लास्ट ईयर आउटपुट था वो 10 क्विंटल या 8 क्विंटल के आसपास, 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ में मोटा मोटी एक निकला था, वही इस साल जो 5 क्विंटल और 6 क्विंटल के आसपास हम लोग रुक गए हैं। ओके, और सर क्वालिटी वेरिएशन भी बहुत बड़ा आ रहा है। ऐसा ना? यस सर, क्वालिटी वेरिएशन बहुत डिफरेंट आ रहा है, मतलब इस टाइम पे लास्ट ईयर शायद आप जैसे आप अच्छे से जानते हो कि 75-76 आरडी आने में तकलीफ नहीं थी, अभी हम लोग जो कपास ले रहे हैं, जैसे हम लोग एफपीओ का छोड़े या हम लोग एक प्राइवेट के हिसाब से बात करें आपसे जीना एज ए जीनर के हिसाब से, तो वो क्वालिटी जो हम लोग 75-76 बनाना चाह रहे हैं वो 73 या 74 के ऊपर नहीं बन पा रही है। यस, ये बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 2012 13 14 15 16 के टेस्ट रिपोर्ट हैं, 80 और 82 का आरडी आना कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय। सही बोले आप। तो आज 75 के लिए मारा मारी है, गए साल में 77 के लिए थी, उसके पहले 79 के लिए थी, तो धीरे धीरे क्या हम क्वालिटी के एक एक पायदा नीचे उतरते जा रहे हैं, यील्ड में भी इस साल कुछ बहुत बढ़ के नहीं है, इनफैक्ट कम है लास्ट ईयर से, सोइंग ज्यादा है, लेकिन ये कोई दिलासा नहीं है, क्योंकि सामने यील्ड कम है और क्वालिटी पुअर है, और जिस साल क्वालिटी पुअर होती है उस साल पूरे चांसेस है कि क्वांटिटी में थोड़ी कमी आती ही है, तो ये एक डर रहा है इस साल, और जी सर जैसे आप लोगों ने अभी जो महाकॉट के थ्रू अभी जो जीनिंग में आप लोग परचेज कर, हेलो, हाँ बोले ना, जो आप कॉटन परचेज कर रहे हो किसान लोगों का जी, तो हम लोग जो है जैसे हम लोग के इधर का जो कॉटन है वो हम लोग आपको बोकरदन सप्लाई कर सकते हैं क्या? बोकरदन में देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे अलाउड है, पर अभी इस साल सीसीआई की तकलीफ आपको पता है, अभी जो अरेवल आ रही है वो 75% माल तो सीसीआई में जा रहा है, रोज 2.5 लाख गांठ के उनके प्रोक्योरमेंट हो रही है, अब तक 40 लाख गांठ के ऊपर प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, और दिसंबर एंड तक वो 75 क्रॉस कर जाएंगे, जो लास्ट ईयर 27 थी, उल्टा 27 का 72 हो जाएगा उनका, और जो जो उनकी 35-30 लाख गार्ड अनसोल्ड है वो तो खड़ी है अभी तक, और जो 25 लाख गार्ड सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड है वो भी खड़ी है अभी तक, तो ये सब देखते हुए सीसीआई इस साल क्या है कि बहुत कम मार्जिन दे रहा है, इनफैक्ट 100-200 रुपया उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र में कम कर दिया है, बन्नी को H4 कर दिया है, तो 5825 के बदले 5725 दे रहे हैं, उसमें और 200 रुपया कम करने की बात चल रही है, अरे वो हाँ उसको और क्वालिटी कंपोनेंट के हिसाब से 200 रुपीज और कम करके जो उनका सेकंड लेवल है 550 उस तक वो ले आएंगे बहुत शॉर्टली, बिकॉज पैसे का काम तो पैसा ही करेगा, लेकिन आप क्योंकि इस प्रोजेक्ट में देना चाहते हैं तो आपसे वही था कि आप अगर हमारे शेयर होल्डर हैं और हमारे ग्रुप में आप सम्मिलित हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि भाई हमारे ग्रुप के ही शेयर होल्डर मेंबर हैं
और इसीलिए हम इनको यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं बोकरदेन में, तो शायद वो एक्सेप्ट हो जाए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो हम ही कर रहे हैं और हम पास ऑन कर रहे हैं एपीएमसी को, और फिर वो हम टोकन जनरेट करके उस माल को खाली करने वाले हैं। तो आप अगर उस तरह आप एंटर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि बीइंग अ शेयर होल्डर हम लोग जो 300 मेंबर्स है इसमें ऑलरेडी, मतलब हम लोग उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट, जैसे हम लोग एक पर्सनल लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ हाथ पर मार के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग फाइनेंशियली कुछ ना कुछ कर पाएंगे, और बाकी जो 280 या 300 मेंबर्स है, हम लोग चाहते हैं कि उनका जो कॉटन है वो एटलीस्ट एमएसपी पे बिके। मतलब हम लोग आज हम लोग प्रोक्योर करके हम कॉटन में सीसिया को देना चाह रहे हैं, पर सर वही कहीं ना कहीं करप्शन होके वो चीज वहां पे वो रेट में सेल नहीं हो रही है। अगर आप लोग कुछ हेल्प करें सर हम लोग को, तो हम लोग एटलीस्ट ये 300 मेंबर को एक अश्योरिटी दे सकते हैं कि आपका जो कॉटन है जो बेस्ट कॉटन है, जो खराब कॉटन है वो नहीं बोल रहे हम लोग, जो बेस्ट कॉटन है वो आप लोग एमएसपी पे प्रोक्योर करें। नहीं, जरूर कोशिश करेंगे, और यही तो हमारा रोल है। मतलब कॉटन गुरु महाएफपीओ फेडरेशन ने पहले ही साल में सीसीआई के 3 सेंटर उनको मिले हैं, तो इसी बेसिस पे मिले, क्योंकि हमको दिख रहा था कि इस साल सेकेंड ईयर इन रो एमएसपी होने वाला है। बहुत जन ने चैलेंज किया कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, 2 साल बैक टू बैक एमएसपी हिस्ट्री में नहीं आई है, लेकिन जुलाई महीने में हमने सीसीआई को प्रेजेंटेशन दिया, इस साल ये ऐसा हो सकता है, और आप इस तैयारी में रहिए। प्लीज डोंट बी अश्योर्ड, कभी नहीं हुआ है वो इस साल नहीं होगा, 2020 एक अलग ही साल है, और हो सकता है इस साल भी आपको 1 करोड़ बेल लेनी पड़े। कि मेरा प्रेजेंटेशन सीसीआई के ऑफिस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने सीएमडी ने भी नहीं माना, बोला पॉसिबल ही नहीं। मनीष जी आप अक्टूबर आते देख लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, 42,000 के रेट हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 5,900 के मार्केट में रेट हो जाएंगे, सीसीआई 10 लाख बेल भी नहीं करता है। मैंने बोला ठीक है आपकी बात और मेरी बात, तो नहीं सर ऐसा तो था ही, पर ये हो गया, मतलब जैसा आप बोल रहे वैसा ही हो गया है। हाँ, क्योंकि मार्केट बढ़ गया, सीसीआई ने बहुत मेहनत की इस मार्केट को खींचने में, बहुत मेहनत की है ये मार्केट, नहीं तो 40,000 के लेवल पे आता ही नहीं अगर सीसीआई उस तरह प्लान नहीं करता अपना सेल, तो उनके भी कदर करनी चाहिए। उन्होंने बहुत जोर लगाया कि एमएसपी ऑपरेशन का लोड ना पड़े, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट अनसर्टन हो गया बीच में, जब एक्सपोर्ट फुल फ्लैश चल रहा था तो कंटेनर नहीं मिले हमें, और जहां पे अभी 12 लाख बेल एक्सपोर्ट हुआ, अब तक 25 लाख बेल एक्सपोर्ट हो जाती अगर कंटेनर मिल जाते समय से, तो वो नहीं हो पाया, जब भी कपास सस्ता था एक्चुअली और पैरिटी थी जीनर को, और सीसीआई शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर दिवाली निकल गई और अब तो फिर डिस्पैरिटी हो गई जिनर के लिए, सीड के रेट भी वो जस्ट स्पीड थी, स्पीड की बढ़ने की वो नहीं रही है, तो अब वापस वही 70-30 का रेशियो बन रहा है सीसीआई की तरफ, तो उनके 1 करोड़ बेल होने में कोई किसी को भी ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा, पर 75 लाख बेल तो मान के चलते हैं कि वो कर ही लेंगे इस साल मिनिमम। तो आप ये एप्लीकेशन आपका, और एक जो हमने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स के लिए हम लोग तो ऐसे भी वी आर बाउंड टू ट्राई अवर बेस्ट, तो उतना आप कल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए। 100% सर, हम लोग कल एप्लीकेशन करपे सर से बात करके उनको एप्लीकेशन दे देते हैं, और सर जैसे भी आप थोड़ा सा हम लोग को बस फ्यूचर ट्रेडिंग और ये बीएससी के लिए कॉटन के लिए एटलीस्ट गाइड करिए सर प्लीज, हम लोग करना चाहते हैं इसमें। नहीं, ये कल ही हम इसके बारे में आगे बात करते हैं डेफिनेटली हम मयूर जी, एंड वी विल एंश्योर दैट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और अच्छे ब्रोकर के थ्रू हो जाए, ताकि आपको गाइडेंस भी अच्छी मिले, और हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही कभी भी आपको गाइड करने के लिए, और ऊपर से आपका ये सीसीआई में भी काम हो जाए, ताकि आपको जो दोनों आपके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाते हैं, है ना। ठीक है सर, तो अभी कॉटन गुरु महाएफपीओ फेडरेशन क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने सुना है या क्या कुछ? नहीं सर, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छे से सुना हूँ, हम लोग ज्वाइंट हुए बस आपके आपको देख के आपको समझ के। राइट, नहीं, और मयूर जी आप जुड़े हैं और इतने सारे फार्मर को लेके जुड़े हैं, और आप एक सोशल एंटरप्रेनर भी हैं, और हम लोग एक फार्मर का अच्छा ग्रुप बनाना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी डेवलप हो कहीं ना कहीं, और हम लोग भी अच्छे से डेवलप हो जाए, हमारे एरिया में एक फार्मर को कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट मिले सर। जरूर जरूर सर, मलकापुर में इसकी बहुत जरूरत है, कोई बहुत ही अग्रेसिव एफपीओ वहां पे नहीं है। आपको एक और इन्विटेशन मैं देता हूँ, आप ऑर्गेनिक की कोई सप्लाई चेन अगर बना सकते हैं तो आप उसके बारे में भी सोचिए, उसके लिए भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, हम 3 साल का प्रोजेक्ट आपके साथ में कर सकते हैं, काफी सारा सपोर्ट आपको उसमें मिलेगा, और बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर। ऐसे जिनर तो आप समझ ही सकते हैं, एक 100 गांठ ऑर्गेनिक कॉटन की आज मांग के देखिए मार्केट। ओके ओके, एक 100 गांठ भी नहीं मिलेगी।
सही बोले आप, है ना, जहाँ पे आपको 10,000 गांठ कन्वेंशनल मिल जाएगी वहां पे 100 गांठ ही मिलेगी। सही बोले सर, हम लोगों ने BCA का सर्टिफिकेशन लिया एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। अभी हम लोग ऑर्गेनिक में भी अभी थोड़ा सा इन्वॉल्व, मतलब कुछ मतलब मेरी बात मानिए और आप ऑर्गेनिक के फार्मर्स को जोड़ना शुरू करिए। ठीक है सर, 3 साल बाद आप मेरे को याद करेंगे, आपको पर बेल जो मिलेगा ना, आप आपकी आप आपकी जिनिंग के मार्जिन को भूल जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, और आपकी जिनिंग को ही हम ऑर्गेनिक स्पेसिफाइड ब्रांडेड कॉटन करके हम लोग रजिस्टर करा देंगे, तो ब्रांड बना के आपकी जिनिंग के थ्रू ही हम उसको सेल करेंगे। प्लीज सर, है ना, तो इसको मिस मत करिएगा। तो 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक है कि आपने बेल बनाई है तो हम BSE पे आपको रजिस्टर कराएंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MSP ऑपरेशन में किस तरह जोड़ सकते हैं ये हमको कोशिश करेंगे, और तीसरा ऑर्गेनिक की एक सप्लाई चेन आपके साथ में बनाने की कोशिश करेंगे। यस सर,